अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़े की एक रेसिपी, चिकन अचारी बिरयानी की, जिसको बनाना बहुत ही इजी है। आप बस काइंडली वीडियो को स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक वॉच करें। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं ऑयल लूँगी, इसको शामिल कर देंगे। साथ ही साथ इसमें एक लार्ज अनियन ऐड कर देंगे स्लाइस कर। इसको हम अनटिल जो है गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। अनियन इधर हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैं चिकन, देसी चिकन ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास देसी चिकन नहीं अवेलेबल तो आप दूसरा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 kg है ये मेरा, तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 2 से 3 मिनट इसको कुक करेंगे। उसके बाद इसमें तमाम ऑल ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे। टोमेटो पेस्ट ऐड कर दूंगी। इसको भी 5 से 7 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब इस पॉइंट पे इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे, यानी मसाला ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं मिक्स्ड पिकल ले रही हूँ 4 2 टेबल स्पून, ये ऐड कर देंगे। इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट बनता है बिरयानी का। मेरी फैमिली को तो ये बहुत पसंद आई है और जब भी मैं बनाती हूँ तो सब उंगलियाँ चाटते रह जाते हैं। मसाला हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैं बॉयल्ड राइस लूँगी, ये भी हाँ 1 kg है और इसको मैंने 80% कुक किया है। ये शामिल करेंगे पहले और फिर इसको स्टेप बाय स्टेप इसकी जो है लेयरिंग करेंगे। एक्चुअली हम जो है एक तरह से बिरयानी खा खा के तंग आ जाते हैं। ये ज़रा डिफरेंट सा हटके बन जाती है और ये मेरी अपनी खुद की रेसिपी है। और मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया था तो मैं बहुत हो रही थी कि क्यूरियस हो रही थी कि कैसा बनेगा टेस्ट इसका। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, ये इतनी मज़े का बनी थी कि आप खुद भी इसको ट्राई करें और अपनी फैमिली को खिलाएं। इसको यहाँ पे हम ऊपर कुछ गार्निशिंग करके इसको दम दे देंगे। देखें कितने मज़े की बिरयानी बनी है। इतनी प्यारी खुशबुएं फैल गई थी इसकी मेरे घर में और मेरी फैमिली ने इसको बहुत मज़े से खाया। टेस्ट ही बहुत डिफरेंट आया इसमें। पिकल जो ऐड किया था मैंने इसमें, उसकी वजह से इसका टेस्ट दोबाला हो गया। इतनी लाइट बनी थी कि आप यकीन नहीं कर सकते। आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें, मुझे अपनी फीडबैक दें। मैं आपके लिए इसी तरह न्यू न्यू हटके रेसिपीज़ लाती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक करना शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर आऊँगी इंशाल्लाह न्यू रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Woo!